बताइए फिर क्या हुआ। आपके पति क्या नाम है? संदीप। आगे क्या लिखते हैं? कुशवाहा। जब थाने ले गए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार चली। फिर मारने के बाद उसको खूब मारा, 24 घंटे मारते रहे कि अपना ये कबूल कर, ये मर्डर किसने किया। जब नहीं कबूल कर जाते तो खूब हथौड़न से एक किलियन ठस ठस की मारा, खूब पटासी मारा। फिर हमको ले गए शाम के हमारे घर में छानबीन सामान की जबरदस्ती। कौन थाने में ले गए? लेडीज पुलिस। कौन से थाना था? चकेरी थाना। फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस ने हमको वहाँ बैठाए थे, हमारे लगे थोड़ी देर वो लेडीज पुलिस रुकी थी, फिर जींस पुलिस हमारे पास रही। क्या कहा पुलिस ने? हमको काम मादर चौथ बता नहीं, हमें तेरे ऊपर एक एक पुलिस वाले लदेंगे, ये अगर जुलूम नहीं कबूल किया तो। कितने देर रखे आपको थाने में? एक रात 5 बजे ढीला, एक रात एक दिन। रात में कोई पुलिस वाली लेडीज पुलिस रुकी आपके पास? नहीं, कोई नहीं। उसके बाद क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोले। आपके क्या पति ने जुल्म कबूल किया? हाँ। क्यों? जब वो हमको धमकाया कि इसको मारेंगे मादर से ये जुल्म कबूल कर, जब इसके ऊपर हमें हर पुलिस वाले चढ़ेंगे, जब हमारा पति ने ये जुल्म कबूल किया कि हमारी औरत के ऊपर ये जुल्म ना हो जाए। क्या नाम आपका? आरती। कहाँ रहती हो? सनीगवा। हमारे उन घर में ले जाके जब थाने से ले गए तो उनको घर उस पार्टी को दे दिया, वो दोनों जन मेरे जो को मिल के मारे औरत और आदमी कमरे में बंद करके, उसकी कोई जांच नहीं है। तो आप क्या चाहती हो? सीबीआई जांच हमको चाहिए। मुस्लिम को दूसरा हमारे पति को निर्दोष को फंसा दिया गया, ये रवि नाम से फंसाया गया है। हमारे आदमी का ये नाम नहीं था, मुस्लिम को ये जांच की जाए। ये हमारा पति रोज के कमाने खाने वाला था, लेबरी करता था।